Hello friends, in this video we will learn about interpolation. इस वीडियो में हम लोग इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन मतलब होता क्या है. इंटरपोलेशन का मतलब होता है, सपोज करो अपने पास बहुत सारे एक्स और वाई के डाटा गिवन है. कुछ एक्स के डाटा गिवन है, कुछ वाई के डाटा गिवन है. हम लोग को किसी पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू के ऊपर y का डाटा निकालना है, और जो हम लोग y का डाटा निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेटिंग वैल्यूज. मतलब हम लोग को इंटरपोलेट करना है कि इस x के वैल्यू पे y का वैल्यू क्या होगा. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x के कॉलम में x1, x2, x3, x4, x5 पांच x का वैल्यूज है. उसी तरह से y के कॉलम में y1, y2, y3, y4, y5 पांच तो y का कॉलम है. एक कॉलम में पांच तो वाई का वैल्यूज है. अब यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यूज जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, और वाई का जो वैल्यू है उसे हम लोग बोलते हैं एंट्री. मतलब जो एक्स का वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. कहने का मेरा मतलब है कि एक्स का वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो वाई का वैल्यू है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है. कि ये जो वाई वन निकलेगा वो अपने पर्टिकुलर एक एक्स वन के ऊपर निकलेगा, लेकिन x1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. अच्छे से समझाने के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिससे अपने को समझ में आएगा. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x का वैल्यू 1 है. जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को, 10. उसी तरह से जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या दिख रहा है, 15. x का वैल्यू जब 5 है तो y का वैल्यू 21. x का वैल्यू जब 7 है तो y का वैल्यू 52. तो हर एक x के वैल्यू के लिए अपने पास एक y का वैल्यू दिखाई दे रहा है. लेकिन इंटरपोलेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ऐसा x का वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकालते हैं जो दिया हुआ नहीं रहता है. जैसे मान लो कि यहाँ पे जब x इक्वल टू 4 है तब y का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है. तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं इंटरपोलेशन के मेथड से. सो इंटरपोलेशन क्या करते हैं, अपने को किसी पर्टिकुलर x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू देता है. दिस इज द इंटरपोलेशन. सो सपोज करो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, मान लो 4 पे निकालना है, तो जो y का वैल्यू आएगा वो 15 से 21 के बीच में कोई एक नंबर होगा जो x का वैल्यू 4 के लिए y का वैल्यू अपने को देगा. सो यानी उसी तरह से हम लोग x के वैल्यू 2 के लिए भी y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 के लिए भी निकाल सकते हैं, हर एक x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये रेंज के अंदर में. नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 मेथड है इंटरपोलेशन का. इंटरपोलेशन करने का 4 मेथड है. पहला है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, दूसरा है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, तीसरा है लैग्रेंज इंटरपोलेशन, चौथा है इनवर्स इंटरपोलेशन. तो एक एक करके हम लोग सारे इंटरपोलेशन मेथड्स को देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे. सबसे पहले हर एक वीडियो के लिए अपने पास एक मेथड है जिसमें हम लोग पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि एक इंटरपोलेशन मेथड, इसे तुम लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाए एग्जाम्पल के साथ. पहले हम लोग देख रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. सो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए हम लोग कब यूज करेंगे, जब एक्स का वैल्यू जो है वो इक्विडिस्टेंट हो. इक्विडिस्टेंट हो मतलब यहाँ पे देखो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7. तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इस दोनों में डिफरेंस कितना है, 2. इस दोनों में डिफरेंस कितना है, 2. इस दोनों में डिफरेंस कितना है, 2. मतलब 7 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, और 3 और 1 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है. तो हर एक में x के डाटाज में 2 का डिफरेंस है. तो फिर यहाँ पे हर एक x के वैल्यू के लिए अपने पास y का वैल्यू दिया हुआ है. तो सबसे पहले देखते हैं अपने, मान लो इस क्वेश्चन में निकालना है अपने को फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 2. तो जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, ये अपने को निकालना है. तो इस तरह के सम्स के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड. देखो इंटरपोलेशन मेथड्स के लिए, न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड के लिए हम लोग दो चीज यूज करेंगे. सबसे पहला स्टेप हर एक दोनों के लिए एक ही है, अपना डिफरेंस टेबल को बनाना. अब डिफरेंस टेबल क्या होता है, बनता कैसे है, वो यहाँ पे देखो. डिफरेंस टेबल के लिए क्या करेंगे, x का डाटा गिवन है, वहां पे y का डाटा गिवन है. सो डिफरेंस टेबल बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले कितना डाटा है x का, 4. तो इसीलिए डेल्टा वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई तक जाएगा. मतलब 4 डाटा है तो यहाँ पे 3 तक जाएगा, डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई. 5 डाटा होता तो डेल 4 वाई तक जाता, 6 डाटा होता तो डेल 5 वाई तक जाता. तो यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा जितना दिया बढ़ेगा उस हिसाब से डेल स्क्वायर, डेल 4, डेल 3 बढ़ते जाएगा. ठीक है, सबसे पहले देखो
यहाँ पे एक्स और वाई का तुम लोग को डाटा गिवन रहेगा, अपने को ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो यहाँ पे हम बताई दिए कितना कॉलम होगा किसके हिसाब से, चार डाटा के लिए तीन कॉलम और डालेंगे, पांच के लिए चार कॉलम होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो x का वैल्यू जब है 1 तो y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 15। तो अपने को फर्स्ट कॉलम फिल करना है डेल्टा y। कैसे फिल करेंगे, बहुत इजी है, y के जो सेकेंड वाला नंबर है उसको पहले वाले नंबर से माइनस कर दो, मतलब 15 माइनस 10 कितना आया 5। उसी तरह से 21 माइनस 15 करो कितना आया 6, 50 माइनस 21 करो कितना आया 29। तो 5, 6, 29 इस तरह से अपना डेल्टा y में तीन वैल्यू मिला, पहले चार था, चार से डिक्रीज होके तीन हो गया। अब इसमें अपने करेंगे वापस से डेल स्क्वायर वाई निकालने के लिए, 6 माइनस 5 करो कितना आया 1, 29 माइनस 6 करो कितना आया 23, तो अब तीन से डिक्रीज होके दो हो गया, फिर 23 माइनस 1 करो कितना आया 22, सो यानी 4, 3, 2, 1 इस तरह से अपना वैल्यू डिक्रीज होके डिफरेंस टेबल बन गया। तो यही अगर 5 होता तो उसी तरह से 5 से फिर 4 होता, फिर 4 से 3 होता, 3 से 2, 2 से 1, तो उसके लिए डेल 4 वाई तक जाना पड़ता। तो इस तरह से अपने सबसे पहले क्या बना लेंगे, डिफरेंस टेबल। तो यानी अपना डिफरेंस टेबल बनाने का मेथड अपने को समझ में आ गया, सेकंड वाले से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड वाले को सेकंड से माइनस करना है और फोर्थ वाले को थर्ड से माइनस करना है। इस तरह से अपने डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। और डिफरेंस टेबल बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और पूरी तरह से फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सीखेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आनंद आप इसका इंटरपोलेशन का हर एक वीडियोस देख सको, हर एक मेथड सीख सको एक के बाद एक, और हम मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर सकूं जिससे आपको चारों मेथड अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू।